छत्तीसगढ़ में आईटी छापे के बाद मचे हड़कंप के बीच मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में मंत्रियों की आपात बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल और डीजीपी डीएम अवस्थी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि लगातार जानकारी मिल रही है कि यहां छापे की कार्यवाही हुई है, शासकीय अधिकारियों के घर लगातार छापे पड़ रहे हैं, कल 8 बजे से लगातार कार्यवाही हो रही है, संघीय ढांचा है, 36 घंटे बीत गए लेकिन राज्य सरकार को ना कोई जानकारी है और अभी 36 घंटे पश्चात भी किसी भी प्रकार का प्रेस को भी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सूचना यह मिल रही है कि महिला अधिकारी के घर ताला बंद होने के बावजूद भी दस्तक दी गई है, तो मैं समझता हूं कि यह संघीय ढांचे के भावनाओं के बेहद विपरीत है, इसलिए पूरा मंत्रिमंडल अभी मां महिम से ज्ञापन देने के लिए अभी यहां से सीधा राजभवन रवाना हो रहे हैं। दूर से दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की सीधी लड़ाई पुरानी जो सरकार से थी उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनके खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इन कारणों से ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ गाड़ियों की जब्ती पर कहा कि आपको मालूम होगा कि मां महिम राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ प्रवास हो रहा है और 3-4-5 बजे अगर नंबर की कोई गाड़ी या दूसरे स्टेट के नंबर की गाड़ी एक साथ इकट्ठी हो तो सुरक्षा की दृष्टि से राज्य की पुलिस को पूछताछ करने का अधिकार है। आपको बता दें कि आज सीएम सचिवालय में पदस्थ उप सचिव सौम्या चौरसिया के निवास पर बीआईटी के अधिकारी पहुंचे। वहीं कल से कांग्रेस महापौर एजाज जेबर, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड सहित कई अधिकारी और शराब कारोबारियों ठेकेदारों के छापे की कार्यवाही चल रही है और पूरे चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, सब जगह स्थिति यह है कि बाजार बंद हो रहे हैं। इतना डर, रात में गाड़ियां घूम रही है। कानून व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कभी रोका नहीं। आईटी की कितने यहाँ छापे पड़े, कभी हमने आपत्ति नहीं की क्योंकि आप संबंधित एसपी खबर कर देते थे, एसपी वहाँ फोर्स दे देता था, उसके कार्रवाई कर लेते थे, लेकिन अभी कोई सूचना ही नहीं। तो ये तो सीधा सीधा राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सर, लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, माना जा सकता है, ये किसी स्तर पे जा सकते हैं जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.